हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेकंड लेक्चर में। कल अपन ने जो है एनिमल फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के 61 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लिए थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? काफ़ी रिवाइज भी किया होगा कल के लेक्चर को आपने, ठीक है। तो इसी प्रकार कंसेप्चुअली इन्हीं क्वेश्चन को आगे भी रिवाइज करते आप चले जाएँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने सेकंड लेक्चर की। अपना आज चालू होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नंबर 2 आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन और नंबर 3 आएगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इन टॉपिक्स की अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ 62 नंबर क्वेश्चन जो नीट 2013 में आया हुआ है। ओके, आप स्टडी करें इस क्वेश्चन को। स्टडी करने का मतलब है वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लें आप। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछा है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अपने से विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन द ह्यूमन, ह्यूमन में जो गमन होता है, मानव में जो गमन होता है उसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है अपने को। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्रा, सभी जानते हैं। एक ट्रिक भी है इसके लिए, कौन सी? सी टी लू सा का, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक लंबर, सैक्रल काउडल, ठीक है, जो कॉकिक्स में बदल जाती है। क्लियर हो गई बात? काउडल वर्टिब्री इन्फेंट्स स्टेज में रहती है और उसके बाद अडल्ट में ये काउडल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? 712 511। टोटेलिटी की बात करें 12 और 7 19, 19 और 5 कितने हो गए? 24, 25, 26। तो अडल्ट में नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी होती है स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम रीजन में? 26। आपने से क्या पूछा है? 10 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं? नहीं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं। स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट देखें, द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज ए फाइब्रस जॉइंट। गौर करना, एनसीईआरटी के मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लास्ट पेज पर जॉइंट्स के बारे में आपको बता रखा है। फाइब्रस जॉइंट जिसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता कहाँ पाया जाता है? जो स्कल है, जो क्रेनियम है, उनके जो सूचर्स हैं वो इसका एग्जांपल बनते हैं। लेकिन एडजेसेंट वर्टिब्रा में जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा कहलाता है बच्चों? वो कार्टिलेजिनियस कहलाता है। कार्टिलेजिनियस, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग। तीसरा देखें, ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन दी ओल्ड पीपल। एडवांसिंग ऑफ एज फीमेल में अगर बात करें तो आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगुरता देखी जाती है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन, सभी जानते हैं। कल भी अपन ने इसके बारे में एक बात देखी थी, क्या कहलाता है ये? गाउट कहलाता है। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखें आप। द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, इसका मतलब है आपको एक मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, जेड लाइंस क्या होती हैं, सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को एक सिंपली डायग्राम के रूप में मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। ये अपनी एक मायोफाइब्रिल हो गया, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ये अपना मायोसिन हो गया, मायोसिन फिलामेंट, अनदर कलर चेंज। ये अपने एक्टिन कहला गए, ओके स्टूडेंट, और ये अपनी जेड लाइन कहला गई, दिस वन इज जेड लाइन। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है ये यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है बच्चों, जिसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर, ओके। जो डार्क बैंड प्रेजेंट होता है मायोसिन जितनी दूरी में एक्सटेंडेड है वो रीजन इसका क्या कहलाएगा? ए बैंड कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी क्या होगा?
इधर भी अपना अनदर मायोसिन होगा, ठीक है, और इनको ओवरलैप किए हुए कौन होगा, एक्टिन होगा, ठीक है। तो दो मायोसिन के बीच जो प्रेजेंट होता है ये क्या कहलाता है, आई बैंड कहलाता है। ओके, इस लाइन को क्या बोल दिया, जेड लाइन कह दिया, ये जेड लाइन कहला जाती है। अब आ जाए सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन दी ए बैंड क्या कहलाता है, एच जोन कहलाता है। सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, इन एक्टिन के बीच एक सेंट्रल गैप बना है, ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ से कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट ऑफ ए बैंड, ए बैंड का जो मायोसिन फिलामेंट है उसके थ्रू ये एक्सटेंशन देख रहे हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट देखें, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, एच जोन को क्या बोला है, मायोसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन बोला है, मायोसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन तो ये पूरा कहलाएगा, तो फिर एच जोन तो केवल ये बना है, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग। तीसरा देखें, एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, मायोफाइब्रिल की अगर बात करें तो मायोफाइब्रिल बोलो या मायोफिलामेंट बोलो, इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट कलर के बैंड पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एक्टिन और मायोसिन के कारण बनते हैं। तो एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल बोल रहा है ए बैंड में, ए बैंड में मायोफाइब्रिल एब्सेंट है, क्यों, मायोसिन भी पाया जा रहा है, एक्टिन भी पाया जा रहा है, इसलिए एब्सेंट नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन दी ए बैंड, ए बैंड में मायोसिन फिलामेंट का सेंट्रल गैप है, तो मायोसिन फिलामेंट तो कंटिन्यू है यहाँ पर, तो सेंट्रल गैप तो कुछ है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो बच्चों अपना करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, द करेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइनोवियल जॉइंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो जॉइंट्स बॉडी में जहाँ मैक्सिमम मोबिलिटी देखी जाती है, मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होता है, क्या कहलाते हैं, साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं। क्लियर होगी, क्या बोला है, करेक्टरिस्टिक देखें, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, एग्जैक्टली ठीक बात है, यहाँ पर एक साइनोवियल कैविटी होगी और वहाँ पर एक फ्लूइड फील्ड होगा, साइनोवियल फ्लूइड कहलाएगा, दो बोन्स के बीच में क्या पाई जाती है, ये साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, करेक्ट बात है। एग्जाम्पल क्या है, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच जो जॉइंट पाया जाता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, पाइवट जॉइंट कहलाता है, एंड पाइवट जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका, साइनोवियल जॉइंट का। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्रॉस चेक कर लें फिर भी, लिम्फ फील्ड बिटवीन टू बोन, लिम्फ फील्ड होकर ये बनाएगा कैविटी, स्टेटमेंट गलत है, फ्लूड कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस फ्लूड होगा, गलत बात है, फ्लूड फील्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कोशन, कोशन प्रोवाइड करवाना, ये तो जो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट पाया जा रहा था इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रूप में, वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा था कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये जो है ये गद्दी प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग। तो मैच कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर वन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, देखें, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू टाइप ऑफ जॉइंट विद द एग्जाम्पल इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इधर आपको टाइप ऑफ जॉइंट दिखाए गए हैं और इधर आपके सामने एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। देखें आप, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, व्हाट इज फ्रंटल एंड पैराइटल, दीज आर क्रेनियल बोन्स की ये बात कर रहे हैं, तो फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल ये आपने सब पढ़ा है, क्लियर, और इनके बीच क्या पाए जाते हैं, सूचर्स पाए जाते हैं, क्रेनियल बोन्स हैं ये, और सूचर्स किसका एग्जाम्पल बनते हैं, फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल बनते हैं, कार्टिलेजिनियस का एग्जाम्पल नहीं बनते, तो गलत हो गया। पाइवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में पाइवट जॉइंट को बताना चाहूँ, तो एटलस और एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या पाया जाता है, पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, थर्ड और फोर्थ के बीच तो सिंपली क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत, मैचिंग गलत हो गई है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड गर्डल, ह्यूमरस कौन सी है, दिस बोन इज नॉन एज ह्यूमरस, कहाँ आर्टिकुलेट हो रही है, पेक्टोरल गर्डल में जाकर आर्टिकुलेट हो रही है, स्कैपुला के साथ में ये जुड़ रही है ग्लेनोइड कैविटी में, तो यहाँ कौन सा पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होता है,
क्लियर हो गई बात, तो ये भी गलत हो गया। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, क्लियर, तो ये भी गलत हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर अपने क्या बोला रेडियस अल्ना, यहाँ क्या आ गई मेटाकार्पल, और ये जो बीच का रीजन है रिस्ट रीजन, इसमें क्या पाई जाती हैं कार्पल्स पाई जाती हैं, 8 बॉन्ड्स स्मॉल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्या बोल दिया इनको कार्पल्स कह दिया। ग्लाइडिंग जॉइंट इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिंदी में क्या बोला विसर्पी, विसर्पी ये शब्द कहाँ से आया होगा, कहीं ना कहीं सर्प या स्नैक से ये वर्ड अराइज हुआ होगा। सांप कैसे चलता है अपन यूँ ही तो बताते हैं, इसका मतलब ये मूवमेंट कहाँ से हो रहा है बच्चों, ये रिस्ट रीजन से ही मूवमेंट हो रहा है, तो विसर्पी संधि कह दो, या ग्लाइड, ग्लाइड करना मतलब रेंगना हो गया, क्लियर, तो विसर्पी संधि या ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स प्रेजेंट होता है, अपना आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, ग्लेनोइड कैविटी अभी अभी अपनी बात हुई थी, मैंने क्या बोला था एक ट्रायंगुलर शेप की बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, अपने शोल्डर पर, और ये ट्रायंगुलर शेप की जो बोन है यहाँ, इस पर क्या एक एक्रोमियन प्रोसेस अराइज होता है पीछे की साइड की ओर, ठीक है, एक्रोमियन स्पाइन, ये एक्रोमियन स्पाइन अपर लेटरल रीजन की ओर आकर बल्ज हो जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस बन जाएगा, इस एक्रोमियन प्रोसेस के ठीक नीचे क्या पाई जाएगी, एक कैविटी प्रेजेंट होगी नॉन एज ग्लिनोइड कैविटी, और ये ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करवाती है किसको, हेड ऑफ ह्यूमर को, ह्यूमरस का जो हेड है उसको आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करवाती है कौन, ग्लिनोइड कैविटी, तो ह्यूमरस विद स्कैपुला दिस ट्रायंगुलर शेप्ड बोन इज नॉन एज क्या कहलाती है बच्चों, स्कैपुला कहलाती है, ये क्या बन गया हेड ऑफ ह्यूमरस बन गया, दिस कैविटी इज नॉन एज ग्लिनोइड कैविटी, आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, तो क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने वाली मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन के ऊपर क्या करते हैं स्लाइड करते हैं, जिसके कारण दो जेड लाइन एक दूसरे के पास पास आती हैं, और दो जेड लाइन के पास पास आने के कारण यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको अपने सार्कोमियर बोला था वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसकी वजह से, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कौन से स्टेटमेंट के द्वारा बेस्ट एक्सप्लेन की जा रही है, देखें आप, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, यहां मैं आपको बता दूं वही अपना वही पहले वाला डायग्राम आ जाएगा, इसको सिंपली आप देख लें, ये एक मायोफिलामेंट का डायग्राम बता दिया, ये अपना बैंड हो गया मायोसिन फिलामेंट हो गया जो ए बैंड बनाएगा, ये अपने कौन से हो गए एक्टिन फिलामेंट्स कहला गए, बात समझ में आई, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या कहलाती है जेड लाइन कहलाती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो आई बैंड है ये तो साइज में छोटा होता है लेकिन ए बैंड अपनी साइज को रिटेन करता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर फिलामेंट्स की लेंथ की मैं बात करूँ तो ना तो मायोसिन की लेंथ कम होगी ना ही एक्टिन की लेंथ कम होगी, लेकिन एक्टिन के द्वारा बनाया गया जो आई बैंड है ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्लियर हो गई बात, इसका मतलब जो फिलामेंट्स हैं उनमें की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहला ऑप्शन देखिए मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट हो जाता है, गलत बात। दूसरा देखें मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, मैंने क्या बोला कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होगा। तीसरा देखें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन दोनों ही छोटे हो जाते हैं, ये तो और भी गलत बात हो गई। और चौथा देखें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, एग्जैक्टली ठीक है बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर, और एक दूसरे से स्लाइड पास होते हैं, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो गया 4th, तो इसका 67 का आंसर बच्चों कौन सा चला गया अपना ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। देखें आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, अपने स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला क्या बोला है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, अपने को पता है मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंट बॉडी हीट का प्रोडक्शन होता है, तो ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, क्लियर। लोकोमोशन, लोकोमोशन बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, इसका मतलब ये भी फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट,
याद कीजिए बोन मेरो, ठीक है। एक लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो उस लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर में अपने रीजन्स देखे थे बच्चों, कौन कौन से थे बताना जरा। दिस इज नॉन एज एपिफाइसिस, दिस इज नॉन एज डायाफाइसिस, दिस इज नॉन एज एपिफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस डायाफाइसिस के बीच एक स्मॉल रीजन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में बच्चों क्या पाई जाती है, एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट होती है और रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इलोंगेशन ऑफ बोन के लिए। जब बोन फुली मैच्योर हो जाएगी तो ये वाला रीजन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब मैच्योर बोन में कितने रीजन होते हैं, केवल दो ही रीजन होते हैं, एपिफाइसिस होता है और डायाफाइसिस रीजन कहलाता है। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब जो एपिफाइसिस रीजन है यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, ट्रेबेकुली प्रेजेंट होती हैं, रेड बोन मैरो इनमें फिल्ड होता है एंड रेड बोन मैरो जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन की साइट कहलाता है। इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट से संबंधित भी हो गया है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का स्टोरेज होता है याद करो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन होता है, ठीक है। बोन में से कैल्शियम प्लस टू बाहर आता है, पैराथ्रोमोन पैराथायरॉयड हार्मोन का अमाउंट अगर बढ़ जाए तो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन देखा जाता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल ये काम भी करवाता है, कौन सा काम नहीं करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो पहला आंसर अपना चला जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, कौन सा जॉइंट मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। तो इनकी कैटेगरी अपन ने देखी थी, जो कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करे, नंबर दो स्लाइट मूवमेंट अलाउड करे या लिमिटेड मूवमेंट अलाउड करे, या तीसरा हो जाएगा मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करे। जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता बच्चों वो कौन सा कहलाता है, फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहलाता है, और जहां मैक्सिमम मूवमेंट देखा जाता है कौन सा कहलाता है, साइनोवियल जॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अलाउ नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो सुचर ऑफ द क्रेनियम इसका एग्जाम्पल बनता है, एग्जाम्पल क्या है, फाइब्रस जॉइंट, ओके। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, इसका मतलब रीजन क्या हुआ है इसका, कि जो इम्पल्स आ रही है कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो इतनी रैपिडली आ रही हैं कि जो मसल की ट्विच है उन मसल की दो मसल ट्विच के बीच में इंटरवेल अपने को नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब रैपिडली या क्विकली इम्पल्स आने के कारण मसल जो है लगातार कॉन्ट्रैक्शन दर्शाती जाती है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, दिस कंडीशन इज नॉन एज टिटनेस कहलाता है। क्लियर। अब इस ये जो वर्ड है टिटनेस, जिसको अपने क्या बोला है, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन की, सक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। एक अनदर वर्ड भी है टिटनेस, जो एक डिजीज कहलाती है, लॉक जो डिजीज, जबड़े लॉक हो जाते हैं जिसमें, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई की वजह से अराइज होती है, डेवलप होती है ये डिजीज, तो वो टिटनेस अलग है, ये टिटनेस अलग है। एक कंडीशन यहाँ पर और बनती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, टिटेनाई कहते हैं। टिटेनाई क्या है, ये मस्कुलर स्पाज्म की कंडीशन कहलाती है, मसल्स में क्या आ जाता है यहाँ पर, ऐंठन आ जाता है। तो ये तीनों वर्ड डिफरेंट हैं, इन डिफरेंट वर्ड को आप इजीली क्लासिफाई करें और इनको याद रखें, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें, ये वर्ड जहाँ पर आएगा वहाँ पर कंडीशन ये टिटनेस चली जाएगी। क्लियर। इसमें अनदर वर्ड भी दिए हैं, वो क्या है, फैटी कंडीशन। फैटी कंडीशन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है यहाँ पर इम्पल्स जो है वो डिलीवर नहीं हो पाती हैं, इम्पल्स रिसीव नहीं हो पाती हैं, मसल्स इसके अगेंस्ट जो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है, कंडीशन क्या कहलाती है, फैटिक कहलाता है, थकान कहलाते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन टिटनेस देख ली अपन ने, टोनस। टोनस एक स्टेट है मसल की जो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में ये बनी रहती हैं। अभी मैं खड़ा हूँ, लोकोमोट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी किसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है क्या, गलत बात है। मेरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाया हुआ है। इसका मतलब है कुछ स्टेट कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स दर्शाती हैं, ये कंडीशन इनकी मसल्स की क्या कहलाती है, टोनस कहलाती है। स्पाज्म अभी अपन ने देखा था, टिटेनी कंडीशन क्या है, रैपिड मस्कुलर स्पाज्म कहलाते हैं। क्लियर। तो 70 का अपना बच्चों आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। ऑस्टियोपोरोसिस, अभी अपन ने इसके बारे में डिफाइन भी किया था,
एक एज रिलेटेड डिजीज है स्केलेटल सिस्टम की, मे अकर ड्यू टू, किसके कारण ऐसा होता है, तो वहाँ मैंने रीजन भी आपको बताया था, एडवांसिंग ऑफ एज के साथ एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल के कारण क्या अराइज हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन अराइज हो जाती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम कोई रोल नहीं है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एग्जैक्टली, तो आंसर कौन सा चला गया सेकेंड, क्रॉस चेक कर लें फिर भी, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, क्या बोला था बच्चों इसको, वर्ड याद रखें, गाउट कहा था इसको, इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, अभी फैटिग को मैंने डिफाइन किया था आपको, और वहाँ पर आपको ये बताया था कि एक इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, स्केलेटल मसल क्या हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, ओके, क्या कहलाता है, मायस्थेनिया ग्रेविस कहलाता है। मायस्थेनिया ग्रेविस। तो अपना 71 का आंसर कौन सा चला गया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 2, ओके। हाँ तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम मसल के दिए हुए हैं उनमें तीनों मसल के बारे में बताया हुआ है, स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती हैं, स्ट्रेटेड नेचर की होती हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी में स्ट्रेशंस उनकी सरफेस पर देखा जाता है, क्लियर, तो इस प्रकार की जो मसल्स होती हैं जहाँ स्ट्रेशंस देखने को मिलेगा, ये तो कौन सी बन गई बच्चों, स्केलेटल मसल बन गई, ऐसी मसल जिन पर स्ट्रेशन नहीं देखा जाता है, सॉरी, ऐसी मसल जिन पर स्ट्रेशन नहीं देखा जाता है और जिनके एंड कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाती है, स्मूथ मसल कहलाती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म भी हो और ब्रांच्ड नेचर में पाई जाए तो ये मसल क्या कहलाती है, और स्ट्रेशन भी देखा जाए, इंटरकैलेटेड डिस्क भी देखी जाती हैं कार्डियक मसल के नाम से, ये तो बन गई कार्डियक मसल, ये बन गई स्मूथ मसल, और ये बन गई स्केलेटल मसल, क्लियर हो गई बात, स्मूथ मसल की नेचर पूछी है, तो स्मूथ मसल कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, यहाँ पर वॉलेंट्री दिया है रॉन्ग, यहाँ पर वॉलेंट्री दिया है रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से जाएगा। अगला देखें, सिलेंड्रिकल होता है या फ्यूजी फॉर्म होता है, स्मूथ मसल फ्यूजी फॉर्म कहलाती हैं, जिनके एंड कैसे होते हैं, टेपर्ड होते हैं, नुकीले एंड कहलाते हैं, इसका मतलब इनवॉलेंट्री होती है, फ्यूजी फॉर्म होती है, स्ट्रेशंस नहीं देखी जाती हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, तो नॉन स्ट्रेटेड मसल कहलाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 4th चला जाता है, ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की है कि फर्स्ट सर्वाइकल एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच पाया जाने वाला जो पाइवट जॉइंट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो देखें आप कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 74, कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन बिकॉज इट, क्या करता है ये कैल्शियम, तो याद करें आप अपन ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में प्रोसेस देखा था, न्यूरॉन की एंडिंग के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था, स्प्रेडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन हुआ था, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं जो टी ट्यूब्यूल की हेल्प से इस स्टिमुलाई को कहाँ पहुँचाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज नोन एज, क्या कहलाता है बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, किसका स्टोर हाउस है, Ca+2 का स्टोर हाउस ये कहलाता है, क्लियर होगी, स्टिमुलाई आएगी यहाँ से, कैल्शियम प्लस टू रिलीज होगा और कहाँ पहुँचेगा, उन स्ट्रक्चर्स जो मायोफिलामेंट्स बताए गए हैं उनकी स्ट्रक्चर्स याद करो, तो अपन ने क्या बोला था, एक्टिन की स्ट्रक्चर में पॉलीमेरिक फॉर्म बताया था इसको, और किसका बना होता है, ग्लोबुलर एक्टिन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक होगी बात, तो इनको ग्लोबुलर एक्टिन अपन ने बोला था, इनके साथ साथ क्या पाया जाता है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल में क्या प्रेजेंट होती हैं, ट्रोपोनिन, जो 3 सब यूनिट की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ट्रोपोनिन किसको बाइंड करके रखता है, एक्टिन पर पाई जाने वाली मायोसिन की साइट को बाइंड करके रखता है, उसको ढक कर रखता है, क्लियर, लेकिन जो ही कैल्शियम प्लस टू रिलीज होगा, कैल्शियम प्लस टू की एफिनिटी होती है किसके टूवर्ड, ट्रोपोनिन के टूवर्ड, तो ट्रोपोनिन अपना फंक्शन यहाँ से भूल जाएगा, कैल्शियम प्लस टू के साथ बाइंड होकर अलग हो जाएगा,
तो फिर कौन सी साइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर, एक्टिन पर पाई जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाती है। क्लियर हो गई? उधर मायोसिन पर एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस के कारण जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगा, मायोसिन का हेड ऊपर उठेगा और कहाँ चिपक जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट पर चिपक जाएगा जो एक्टिन पर पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? अब देखें आप, कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्यों है मसल कॉन्ट्रैक्शन में? डिटेचेज द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, अलग करने के काम नहीं आता है, ठीक है? ये तो मायोसिन की बाइंडिंग साइट जो एक्टिन वाली उसको एक्सपोज करने के काम आता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन फिलामेंट, ये तो रिलैक्सेशन स्टेट की बात हो रही है, क्लियर? ऐसा नहीं होगा। एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएज एंजाइम बाय बाइंडिंग टू इट, ये तो उसके बाद प्रोसेस होगा जब मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी एक्टिन की, क्लियर? उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगा मायोसिन के हेड पर। अगला, बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बंधेगा टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, एक्टिन पर पाई जाने वाली मायोसिन की जो एक्टिव साइट है उसको अनमास्क करने के काम आएगा, क्लियर? तो बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग, मास्किंग को रिमूव करना या अनमास्किंग करने के काम आता है कौन? कैल्शियम। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, पढ़ें आप इसको। सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से? ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन, सही बात है, चपटी होती है, पतली बोन होती है, एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री का नंबर कितना है? 12, सभी 12 थोरेसिक वर्टिब्री से क्या अराइज हो रही हैं? रिब्स अराइज हो रही हैं। एक थोरेसिक वर्टिब्रा से एक रिब इधर निकल रही है, एक रिब लेटरली इधर निकल रही है, इसका मतलब है वन थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये दो रिब्स को अराइज करवाता है, क्लियर हो गई? तो जितनी भी 12 जो रिब्स पाई जाती हैं, जो थोरेसिक केज बनाएंगी, क्लियर, तो ये अराइज कहाँ से हो रही है? 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से डोर्सली अराइज हो रही है एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, लेकिन सारी की सारी वेंट्रल साइड में आकर स्टर्नम से नहीं जुड़ेंगी, केवल 1 to 7 जो हैं, फर्स्ट 7 पेयर जो हैं वो स्टर्नम से अटैच होंगी। स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। अगला देखें, देर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, याद रखें इसको, वो रिब्स जो डोर्सली वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है थोरेसिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली स्टर्नम पार्ट से जुड़ी हुई है हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा, तो देर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, एक से लेकर जो 7वीं जोड़ी हैं ये क्या कहलाती हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल कहलाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल का मतलब हो गया वर्टिब्रल पार्ट से जुड़ेंगी डोर्सली और वेंट्रली इनडायरेक्टली 7th से जुड़ेंगी, ठीक है, इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ेंगी हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा, जुड़ी किससे रहती हैं? 7th रिब से ये जुड़ी रहती हैं, तो 3 पेयर 8th, 9th एंड 10th क्या कहलाती हैं? वर्टिब्रोकोंड्रल कहलाती हैं, और लास्ट की जो दो बच गई 11th एंड 12th पेयर वर्टिब्रल रिब्स कहलाती हैं जिनका वेंट्रल साइड में कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगला देखें क्रॉस चेक के लिए, 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द स्टर्नम, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी जो है रिब्स की वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट करेगी स्टर्नम से। अभी अभी मैंने बताया आपको जो स्टार्टिंग की 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं यही केवल आर्टिकुलेट करेंगी, जो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब हैं ये तो किससे जुड़ेगी? ये 7th पेयर ऑफ रिब से जुड़ती है। जी जी, तो आपने क्या बोला, 8th, 9th और 10th जो हैं ये स्टर्नम से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं होंगी, इनका आर्टिकुलेशन तो कौन से होता है? 7th जो रिब है उससे होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? डायरेक्टली विद द स्टर्नम, रॉन्ग हो गया। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज, 11th और 12th तो वेंट्रली फ्री थी, स्टर्नम से जुड़ी नहीं रही थी, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, इनहेरिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है इनहेरिटेंस इसका देखा जाता है, तो कौन सा इनहेरिटेड है इनमें से? आप देखें इसको, मायस्थीनिया ग्रेविस, ये तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड कहलाया था जहाँ पर फैटिगनेस कंडीशन आई थी, ठीक है, स्केलेटल मसल जो है वो पैरालाइज्ड हो गई थी, तो ये तो मायस्थीनिया ग्रेविस बना था, मायस्थीनिया ग्रेविस जो है वो इनहेरिटेड नहीं है। बोटुलिज्म, ये अपने विषाक्तता देखा ही था, फूड पॉइजनिंग के कारण अराइज होने वाला डिसऑर्डर है, ठीक है,
तो ये इससे रिलेटेड होगा ही नहीं, मायस्थेनी ग्रेविस इनहेरिटेड नहीं होता है। टिटेनी कंडीशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, टिटेनी कंडीशन को ये भी नहीं होगा, इनहेरिटेड नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोपी, दिस कंडीशन इज इनहेरिटेड, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। जो एक्स क्रोमोजोम है उस एक्स क्रोमोजोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उस शॉर्ट आर्म की एक जीन जो है वो म्यूटेट हो जाती है। शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोजोम की जीन म्यूटेट हो जाने के कारण डिस्ट्रोपिन प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन बच्चों नहीं बनेगा तो फिर डिस्ट्रोपिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है? ये एक मसल के डायग्राम की अपन ने बात की थी। यहाँ पर डिस्ट्रोपिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मेम्ब्रेन पर, ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग का ये काम करता है। टी ट्यूब्यूल की हेल्प से जो इम्पल्स है उसको कहाँ पहुँचाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचाता है। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन नहीं होगा तो ट्रांस सिग्नलिंग नहीं होगी, ट्रांस सिग्नलिंग नहीं होगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कोई भी स्टिमुलाई नहीं जाएगी, और नहीं गई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कोई भी स्टिमुलाई तो कैल्शियम प्लस टू रिलीज नहीं होगा, और कैल्शियम प्लस टू रिलीज नहीं हुआ तो किसी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बातें नहीं करेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रोपी क्या है बच्चों? एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होता है। ओके, हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक अपन ने मूवमेंट एंड लोकोमोशन के क्वेश्चन देखे, इनकी भी कैलकुलेशन अगर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन जो हैं हर साल नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ओके, अब अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएं। देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी जानते हैं इंसुलिन क्या करवाता है, इंसुलिन का फंक्शन है बच्चों जो ग्लूकोज है, बॉडी ग्लूकोज इसका कन्वर्जन करवाता है, किसमें? ग्लाइकोजन में। कैसे करवाता है? एडिपोसाइट और हिपेटोसाइट के ऊपर एक्ट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज के लिए, और उसका कन्वर्जन किसमें करवा देगा? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगा। प्रोसेस को क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोल देंगे बच्चों इसको? ग्लाइकोजेनेसिस। इसका मतलब ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है कौन? इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए एक अनदर वर्ड भी मैं काम में ले लूं, हाइपर या हाइपो, ब्लड में कम करवा रहा है इसलिए क्या बोल दिया इसको? हाइपोग्लाइसिमिक, हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन। इसका उल्टा फंक्शन कौन करता है? ग्लूकेगोन करता है जो हाइपरग्लाइसिमिक कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अब आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ इंसुलिन की एक्शन क्या है? कम करना। इसमें क्या है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, गलत हो गई बात। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, गलत हो गई बात। चौथे में भी देखें, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बनाता है जिसके कारण ब्लड का ग्लूकोज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, आपने देखा होगा काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, लेकिन आपको कंसेप्चुअल अप्रोच जरूर करनी होगी हर क्वेश्चन को। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, नॉर एपिनेफ्रीन। पहले भी अपने कल वाले लेक्चर में भी अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, क्या कहलाते हैं? कैटेकोल एमीन्स कहलाते हैं। कहाँ से सिक्रिटेड हैं? एड्रीनल मेडुला से इनका सिक्रीशन होता है। क्लियर हो गई बात? आ जाएं, नॉर एपिनेफ्रीन इज रिलीज बाई सिंपेथेटिक, पैरासिंपेथेटिक, इंक्रीज दी हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जी, यहाँ पर मेरे को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और भी बतानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, या मैं सिंपली इनको कैटेकोलामिन्स जो बोल रहा हूँ, क्या कहलाते हैं? एमरजेंसी हॉर्मोन कहलाते हैं। और एमरजेंसी सिचुएशन जो होगी वहाँ पर क्या देखा जाएगा? इंक्रीज दी हार्ट रेट, ये बढ़ना देखा जाएगा। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नो, ब्लड प्रेशर एमरजेंसी कंडीशन में इंक्रीज होता है। अब किसकी एक्शन के द्वारा होता है? तो उसमें अपने सिस्टम काम करेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कौन सा एक्ट करेगा, इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद रखें। ट्रिक क्या है बच्चों? एक तरफ क्या बोल दिया? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, एक तरफ क्या बोल दिया? पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, PSNS। क्लियर? सिंपैथेटिक सह से चालू होता है, और सह का मतलब है बच्चों साथ देना, और साथ देना मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्लियर? इसका मतलब है बॉडी फंक्शंस
जिनका स्टिमुलेशन करवाएगा वो कौन कहलाता है? SNS कहलाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शन भी आप याद रखेंगे, SNS बढ़ाने का नहीं घटाने का काम करता है। और कहाँ घटाने का काम करता है वो एक्सेप्शन याद रखें आप, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इससे रिलेटेड फंक्शन को डिक्रीज करवाता है, सप्रेस करवाता है। चाहे सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लो, चाहे पेनक्रियाटिक जूस की बात कर लो, चाहे इंटेस्टाइनल जूस की बात कर लो, चाहे पेरिस्टाल्सिस की बात कर लो, तो डिक्रीज करने का काम करेगा SNS। नॉर्मली तो साथ देगा, बढ़ाएगा, लेकिन घटाने का काम कहाँ करेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रीजन में। और कहाँ? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और कहाँ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ाएगा नहीं, यहाँ पर घटाने का ये काम करेगा, बाकी बॉडी फंक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। PSNS पैरासिम्पेथेटिक, पैसे चालू हो रहे हैं। पैसे मतलब पैर लगाना, पैर लगाना मतलब रोकना। ठीक है, रोकना मतलब इनहिबिट करना, इसका मतलब इनहिबिशन फंक्शन होगा इसका। बॉडी फंक्शंस पे इनहिबिटरी इफेक्ट देगा कौन है? पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम। लेकिन जहां इन सिस्टम पर इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा था SNS का, वहां PSNS का क्या आ जाएगा? स्टिमुलेटरी इफेक्ट आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना आप, सिंपैथेटिक सहसे चालू हो रहा है साथ देना, पैरासिम्पेथेटिक पैसे चालू हो रहा है पैर लगाना घटाना, और इनका एक्सेप्शन आ जाएगा। क्लियर? अब एक इनका एक्सटेंशन जो है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का, उस एक्सटेंशन को आप जरूर याद रखें। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। वो एक्सटेंशन क्या है? ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड बना दी, ये बॉडी का ऑर्गन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में क्या पाए जाते हैं? गैंग्लियोनिक चेन प्रेजेंट होती है, एक फाइबर जो पहले अराइज होता है, ये फाइबर प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। अगर SNS की बात करूं तो ये कहेंगे अपन, ये SNS के लिए बन जाएगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक, ये वाला क्या बन जाएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाता है। ठीक है, तो गैंग्लियोनिक चेन तक जो फाइबर आएगा वो तो क्या कहलाएगा? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कहलाएगा। और जो गैंग्लिया से बॉडी के ऑर्गन्स को जाएगा वो क्या कहलाएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक कहलाएगा। SNS के केस में जो प्री गैंग्लियोनिक है वो अपने टर्मिनल एंडिंग के द्वारा किसका सिक्रीशन करता है? ACH का, एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करता है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो किसका सिक्रीशन करेगा बच्चों? वो सिक्रीशन करता है नोरएड्रेनालिन का। क्लियर हो गई बात? इसलिए सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर टारगेट ऑर्गन पर नोरएड्रेनालिन का सिक्रीशन करता है, तो SNS को क्या कहा जाता है? एड्रिनर्जिक नर्व सिस्टम, एड्रिनर्जिक नर्व सिस्टम। क्लियर हो गई बात? यही सिमिलर डायग्राम मैं किसके लिए बनाऊं? PSNS के लिए। ये अपने स्पाइनल कॉर्ड बना दी, PSNS। ठीक है, यहाँ इस प्रकार की चेन नहीं मिलेगी, ऑर्गन होगा, ऑर्गन के पास ही क्या पाया जाएगा? कोई गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा वो बड़ा होगा। यहाँ देखें, प्री तो छोटा है, पोस्ट बड़ा है। यहाँ पर प्री तो बड़ा हो जाएगा और पोस्ट फाइबर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। PSNS का जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो अपनी एंडिंग के द्वारा ACH का सिक्रीशन करता है, और पोस्ट भी किसका सिक्रीशन करता है? एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन करता है। इसलिए PSNS को बच्चों क्या कहा जाता है? कोलिनर्जिक नर्व सिस्टम, कोलिनर्जिक नर्व सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? अब ये PSNS और SNS, इनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड ट्रिक मैंने आपको बता दी, और यहाँ इनका एक्सटेंशन जो हो रहा है प्री और पोस्ट फाइबर्स, उनके एक्सटेंशन को भी बता दिया, उनके जो सिक्रीशन है उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो फिर आप देखें, नोरएपिनेफ्रिन, एड्रिनेलिन, नोरएड्रेनालिन कहाँ सिक्रीट हो रहा है? नोरएड्रेनालिन का सिक्रीशन कहाँ था? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में। तो इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स, इसका मतलब पैरासिंपैथेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
और नॉरएपिनेफ्रिन है, इमरजेंसी कंडीशन है, एसएनएस की बात हो रही है, साथ देने की बात होगी, साथ देने का मतलब बढ़ाने की बात होगी, तो इंक्रीज दी हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी बढ़ाएगा। ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चूज कर ले, ए एंड सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, तो ये कंसेप्ट आप जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन सिक्रेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, ठीक है। तो पिट्यूटरी के दो रीजन की बात होगी, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर, ह्यूमन में अगर मैं बात करूँ तो एडिनो हाइपोफाइसिस, ये एडिनो है, ठीक है, और ये रीजन क्या हो जाएगा इसका? न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन के केस में जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें ही क्या मर्ज रहता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो बोलो या एंटीरियर पिट्यूटरी बोलो, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको पार्स डिस्टेलिस के नाम से जाना जाता है। इंटरमीडिएट लोब जो है पिट्यूटरी की उसको पार्स इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसको अपन ने क्या बोला है? पार्स नर्वोसा कहा है, ठीक है। ह्यूमन के केस में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया आपस में मर्ज रहती हैं, कंबाइनली ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है ना, पोस्टीरियर लोब डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है, इसीलिए इसको क्या बोला? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो का मतलब नर्व से है, हाइपो का मतलब हो गया हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में कौन सी होती है? पोस्टीरियर लोब होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखें। ऑर्गन इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन। जी यहाँ देखें, गौर करें, डू नॉट, इसके कारण क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि इनके द्वारा हॉर्मोन का सिक्रीशन होता है और एनसीईआरटी में इनके बारे में बताया भी गया है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल 4 मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन सिक्रीट करता है, बच्चों याद करो कौन सा? गैस्ट्रिन। कौन सा? सिक्रीटिन। कौन सा? गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। कौन सा? सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसके अलावा और भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो हॉर्मोन का सिक्रीशन जीआई ट्रैक्ट के द्वारा भी हो रहा है, हर्ट के द्वारा सिक्रीटेड, याद करो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर सिक्रीट हो रहा है, किडनी के द्वारा याद करो इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन, लीवर के द्वारा याद करो एंजियोटेंसिनोजन, जो रास मैकेनिज्म के दौरान सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? डू नॉट आने की वजह से रॉन्ग हो गया। अगला देखें, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, थोड़ी सी मात्रा में इनका सिक्रीशन होता है, दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल के बीच में मैसेज ट्रांसमिशन का ये काम करवाते हैं। याद रखना यहाँ पर इंट्रासेलुलर देकर आपसे गलत करवा सकता है, इंट्रासेलुलर आएगा तो सही है, इंट्रा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो गए, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स कहलाते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्लासिकल डेफिनेशन है हॉर्मोन की, जो रिसेंट साइंटिफिक डेफिनेशन है वो यही कहलाती है। तो तीन चीज़ें याद रखनी है आपको, हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो गए, ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट हो गए, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर, तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट हो गया स्टेटमेंट 3। चौथा भी देख लें, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हॉर्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। नो, याद करें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, गोनेडोट्रोपिन इनिबिटिंग हॉर्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहे थे? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहे थे, पिट्यूटरी से इनका सिक्रीशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, पढ़ें इसको आप। सेलेक्ट दी आंसर
which correctly match the endocrine gland with the hormone it secrete and its function या deficiency symptom की ये बात कर रहे हैं। तीन कॉलम आपको दिए गए हैं और करेक्ट मैच अपने को पता करना है, करेक्टली मैच को फाइंड आउट करना है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, नो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन ऑल्सो नोन एज ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बिल्कुल याद करो। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? बॉडी की स्मूथ मसल पे एक्ट करना और उनमें कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करवाना। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन तो ठीक है, लेकिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? एंटीरियर से नहीं। ये कहाँ से सीक्रेट होगा बच्चों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा। तो ये बात हो गई गलत, स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट पता करना है अपने को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा था। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन ठीक है क्या? देखो, ओवर सिक्रीशन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ, जाइगेंटिज्म हो जाता है, याद है आपको? इसका मतलब है ये फंक्शन तो ग्रोथ हार्मोन का ठीक है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये क्या हो गया? रॉन्ग। क्या होना चाहिए था? एंटीरियर पिट्यूटरी होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, थर्ड देखें, थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रीशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। T3 T4 फॉर्म याद होगी आपको, ट्राइआइडो टेट्राइडो थायरोनिन, ठीक है। लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो इसके कारण एनलार्जमेंट हो जाता है इस ग्लैंड का। एग्जैक्टली ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या चला जाएगा? करेक्ट चला जाएगा। क्लियर, क्रॉस चेक करें। कॉर्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है, नो नो। कॉर्पस ल्यूटियम तो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ओवरी में बन रही थी, याद करो। जो ग्राफियन फोलिकल थी उसके रप्चरेशन के रिजल्टेंट जो ओवुलेशन हो गया था और बची हुई ग्राफियन फोलिकल येलो कलर बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई थी, याद है ना? हाँ। कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रीशन करता है? मेजरली प्रोजेस्ट्रोन का, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन का। यहाँ मैं आपका ध्यान चाहूँगा, यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन से पहले भी सिक्रीट हो रहा था, ओवुलेशन के बाद भी सिक्रीट हो रहा है। तो ओवुलेशन से पहले थीका सेल के द्वारा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा था, ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन और भी किया जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, बात क्या है? गलत है। तो फिर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता कौन है भैया? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है किसके द्वारा? सर्टोली सेल्स के द्वारा, ठीक है। वो सॉरी सर्टोली सेल नहीं, लैडिक सेल या इंटरस्टीशियल सेल इनको कहेंगे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ये करवाता है। स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टिमुलेशन ये करवाता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्लियर हो गई बात? तो 80 का अपना करेक्ट आंसर कौन सा चला गया? थर्ड चला गया। ये क्यों गलत हो गया? टेस्टोस्टेरोन इसके कारण गलत हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो 80 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन का सोर्स करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसका फंक्शन सही होना चाहिए, करेक्ट मैच पता करना है अपने को। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अभी बात की थी अपन ने, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी दो हार्मोन का स्टोरेज और सिक्रीशन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं करता है, याद रखना, सिंथेसाइज नहीं करेंगे वो, दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होकर आए हैं। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यस ये बात तो ठीक है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है ये, लेकिन मेंटेनेंस और ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ये काम किसका है बच्चों? ये काम कहलाता है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है। अगला देखें, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, और उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, WAK, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और जो डायुर्नल रिदम है 24 आवर की जो रिदम है और स्लिप वेक जो अपनी साइकिल है उसको रेगुलेट करवाता है। इसके अलावा NCERT इसके बारे में और क्या कहती है, और क्या करवाता है ये? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म भी ये करवाता है, पिगमेंटेशन का रेगुलेशन भी करवाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ये करवाता है, बॉडी की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला देखें, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहे हैं, सही बात है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यस ये जो बात है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन,
ये काम कौन करवाता है बच्चों? एस्ट्रोजन करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं करवाता। क्लियर हो गई? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीज एज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो पहली बात तो ये वेंट्रिकुलर वॉल नहीं है, ये एट्रियल वॉल से सिक्रेट होता है और वैजोडाइलेशन करवाने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो 81 का करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ, क्या है ये फाइट और फ्लाइट? 3F कंडीशन याद है ना आपको? तो इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है। इमरजेंसी कंडीशन मतलब इमरजेंसी हॉर्मोन, इमरजेंसी हॉर्मोन मतलब एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है। क्या बोला था इनको? कैटेकोलामिन्स बोला था। कहाँ से सिक्रीट हो रहा था? एड्रिनल मेडुला से। तो ये जो सिचुएशन है फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन, इस कंडीशन में किसका स्टिमुलेशन देखा जाता है? एड्रिनल मेडुला का स्टिमुलेशन देखा जाता है। देखें आप, पैराथायरॉइड नो, किडनी से नो, एड्रिनल मेडुला यस, लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, बहुत आर कमेंटली नॉन एज, क्या कहलाते हैं बच्चों? कैटेकोलामिन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। पेनक्रियास से नो। तो 82 का करेक्ट आंसर अपना चला गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, देख रहे हो आप, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्चुअली पढ़ा है, तो क्वेश्चन को अप्रोच करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ए केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल, एक केमिकल सिग्नल एंडोक्राइन सिस्टम में ये बात कर रहे हैं जो एंडोक्राइन रोल भी प्ले कर रहा है और न्यूरल रोल भी प्ले कर रहा है। कहने का मतलब एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करेगा और एज ए हॉर्मोन भी ये एक्ट करेगा। कौन है? एपिनेफ्रिन जो फॉर्म है, देखें आप इसमें एपिनेफ्रिन जो फॉर्म है ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करती है और ये एज ए हॉर्मोन की तरह भी एक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा 84। Which one of the following hormone is not involved in sugar metabolism? Sugar metabolism में कौन सा involved नहीं है? Insulin. Insulin क्या metabolism और sugar में involvement दर्शाता है? Exactly दर्शाता है। किस रूप में? याद करो, जो glucose है उस glucose को किस में convert करवाता है? Glycogen में। Process बच्चों क्या कहलाता है? Glycogenesis. ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर हो गई बात? तो ये तो बात होगी इंसुलिन की। ग्लूकागन मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर कैसे करवाता है? याद करो, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ये ब्रेकडाउन करवाता है किसमें? ग्लूकोज में। बच्चों प्रोसेस क्या कहलाता है ये? कौन टूट रहा है? ग्लाइको टूट रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर में इन्वॉल्वमेंट ग्लूकागन का भी है। कोर्टिसोन, कोर्टिसोन कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रेट होने वाला, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कोर्टिसोन का फंक्शन क्या है? ये करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से किसका फॉर्मेशन करवाना? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना। किसका फंक्शन है? कोर्टिसोन। इसका मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म में इसका इन्वॉल्वमेंट भी है। एल्डोस्टेरोन, शुगर मेटाबॉलिज्म में एल्डोस्टेरोन का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि ये तो एक मिंडेलोकोर्टिकोइड कहलाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेटेड है मिंडेलोकोर्टिकोइड, ठीक है। काम क्या करता है ये एल्डोस्टेरोन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है इनको बैलेंस करवा कर रखता है बॉडी में, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन बच्चों क्या हो गया? एक मिंडेलोकोर्टिकोइड। मिंडेलोकोर्टिकोइड आंसर कौन सा चला जाएगा? 4th। शुगर मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है किसका? एल्डोस्टेरोन का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन दो सिंथेसाइज एल्सवेयर, कहीं और सिंथेसाइज होते हैं ये, ठीक है, इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन? पिट्यूटरी। याद रखना, सबसे मास्टर ग्लैंड कौन सी कहलाती है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड वो कौन कहलाता है? हाइपोथैलेमस। सिंपली मास्टर ग्लैंड पूछ ले तो ये क्या कहलाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाएगी, ठीक है।
तो कुछ हार्मोन है जो कहीं और क्या हुए थे, सिंथेसाइज्ड हुए थे, बने थे, निर्माण हुआ था उनका, लेकिन उनका स्टोरेज और उनका सिक्रेशन मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के द्वारा किया जाता है। अभी पहले मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन का स्टोरेज और सिक्रेशन करवाती है। कौन से हैं दोनों हार्मोन? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर होगी बात? इसका मतलब क्या हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा हार्मोन कौन सा कहलाएगा, देख लें आप कौन सा है इसमें, प्रोलैक्टिन एंटीरियर से है, नो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिडल लोब जिसको पास इंटरमीडिया बोला था, एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट है, ल्यूटिनाइजिंग एंटीरियर से है, ADH किससे सिक्रेट हो रहा है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है, लेकिन सिंथेसाइज्ड कहाँ हुआ है, एल्सवेयर, एल्सवेयर क्या है, हाइपोथैलेमस में इसका सिंथेसिस हुआ था। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब जो ऑपोजिट फंक्शन वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं, हैविंग ऑपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, याद करो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करवाता है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपो या हाइपरग्लाइसिमिक, इंसुलिन इज नोन एज हाइपोग्लाइसिमिक। क्लियर हो गई बात? ग्लूकेगॉन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, इसका मतलब है ग्लूकेगॉन क्या बन गया, हाइपर, एंटागोनिस्टिक हो गए दोनों एक दूसरे के, ठीक बात है। एल्डोस्टेरोन एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन क्या काम कर रहा था, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ये क्या करवाता है, ऑपोजिट फंक्शन करवाएगा, ये रास मैकेनिज्म का रिजल्टेंट बना था और ये रास मैकेनिज्म के अगेंस्ट बना था, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए, ये भी एंटागोनिस्टिक हैं, ये भी एंटागोनिस्टिक हैं। अगला देखें, रिलैक्सिन इनहिबिन, रिलैक्सिन का काम क्या था, याद करो पार्चुरीशन के दौरान रिलैक्सिन का सिक्रीशन हुआ था, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जाकर एक्ट किया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस के लिगामेंट्स को लूज आउट किया था, इजी बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लेबर पेन को कम करने का ये काम करता है। इनहिबिन हार्मोन ये कहाँ से सिक्रेटेड है, एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो जाता है तो सर्टोली सेल से किसका सिक्रीशन होता है, इनहिबिन का सिक्रीशन होता है, तो इन दोनों ही फंक्शन में कहीं भी ऑपोजिट फंक्शन की बात नहीं हो रही है, तो ये एंटागोनिस्टिक है, नहीं है। पैराथ्रोमोन और कैल्सिटोनिन, पैराथ्रोमोन बच्चों क्या करता है, ब्लड में CA+2 को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज, इसका मतलब ये कैसा है, हाइपर या हाइपोकैल्सिमिक, ये कहलाएगा हाइपरकैल्सिमिक। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है, कैल्सिटोनिन के लिए एक बात तो आपको ये याद रखनी है, थायरॉइड के द्वारा सिक्रेटेड प्रोटीनेशियस हार्मोन है, कौन है, कैल्सिटोनिन, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम प्लस टू के लेवल को बॉडी में क्या करवाता है, ये कम करवाता है, इसका मतलब ये क्या बन गया, हाइपो बन गया, इसका मतलब आपने जब पूछा क्या है, नॉट एंटागोनिस्टिक, कौन सा नहीं है, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन में अपने को एंटागोनिस्टिक हार्मोन दिखाई दे रहे हैं। क्लियर होगी बात? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, चेंजेज इन GnRH, व्हाट इज GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आकर एक्ट करेगा, FSH-LH का सिक्रीशन ये करवाएगा, फ्रीक्वेंसी इन फीमेल, फीमेल के अंदर GnRH इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, किसके सर्कुलेटिंग लेवल के द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है, तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट आप याद रखें, कौन सा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या सिक्रेट हुआ बच्चों, GnRH सिक्रेट हुआ, यहाँ से किसका सिक्रीशन हुआ, LH और किसका, FSH का, कहाँ एक्ट करेगा, ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा, क्यों बोला है ओवरी, क्योंकि फीमेल की बात कर रहा है यहाँ पर, ओवरी किसका सिक्रीशन करेगी इनके रेस्पॉन्स में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिटरी अफेक्ट भी देते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन पॉजिटिव फीडबैक भी डेवलप करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है
GnRH की पल्स फ्रिक्वेंसी जो है फीमेल में वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, बॉडी में GnRH का बढ़ना और घटना, पल्स फ्रिक्वेंसी का मतलब बढ़ना और घटना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है। आंसर चला जाएगा फोर्थ। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, स्टडी करें आप इसको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य का चुनाव अपने को करना है। LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन दी ओवरी, एक्जेक्टली ठीक बात है। 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे क्या हुआ था, ओवुलेशन। जस्ट बिफोर 14th डे या मैं कहूँ 13th डे की इवनिंग को LH का अमाउंट बॉडी में अचानक बढ़ गया था, जिसको LH सर्ज के नाम से जाना जाता है, और LH क्या करवाता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करवाता है। करेक्ट बात है, लेकिन अपने को तो इनकरेक्ट पता करनी है। LH एंड FHH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज कौन सी है, याद करो, स्टार्टिंग के 5 डेज 28 डे के मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस फेज कहलाई थी, ब्लीडिंग फेज कहलाई थी। 6 से लेकर 13 या 14th डे ये कौन सा कहलाता है, फोलिकुलर फेज कहलाती है। इस फोलिकुलर फेज के दौरान LH और FSH ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, नहीं इंक्रीज होते हैं। और याद करो, एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल LH और FSH जो है वो अपनी एक पीक को अटेन कर जाते हैं दोनों ही हॉर्मोन। क्लियर हो गई बात, तो ये बात भी क्या हो गई, रॉन्ग। LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लैडिक सेल, लैडिक सेल से सिक्रीशन ये करवाता है, ठीक बात है। FHH स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने से इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89। द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ट्रिप्टोफेन कौन से हॉर्मोन का प्रिकर्सर है। तो ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन इन दोनों ही एमिनो एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको आपको याद रखना है। ट्रिप्टोफेन किसका प्रिकर्सर है, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन, इनका ये प्रिकर्सर कहलाता है। क्लियर होगी, और दूसरा कौन सा है, टायरोसिन, उसके लिए भी आप याद रखना। टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है, टायरोसिन है थायरोक्सिन एंड एपिनेफ्रिन। थायरोक्सिन एंड एपिनेफ्रिन, पहला ऑप्शन आपका थायरोक्सिन ट्राइडोथायरोनिन कौन हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, तो इसका आंसर नहीं जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कोर्टिसोल कोर्टिसोन क्या है बच्चों, ये स्टीरोइड्स हैं, स्टीरोइड हार्मोन है, और स्टीरोइड हार्मोन किस इसका प्रिकर्सर कौन होता है, ये लिपिड डिराइव्ड हार्मोन कहलाते हैं, लिपिड डिराइव्ड कहलाएंगे, ठीक है। अपने से क्या पूछा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, एमिनो एसिड कौन सा बन जाएगा, मेलाटोनिन। ट्रिप्टोफेन से प्रिकर्सर किसका है, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखें, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, रिपीट हुआ है, कल डाइजेस्टिव सिस्टम में इस क्वेश्चन को अपन ने देखा था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा था, पेनक्रियाटिक जूस के लिए अपन ने क्या बोला था, सीसी के पीजेड एक साथ होता है ना ये जी, और दूसरा बाइकार्बोनेट को कौन रिलीज करवाता है, बाइकार्बोनेट को सिक्रेटिन, ठीक है। ऑप्शन देख लें कौन सा है, कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन, कल इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, पहले बात तो ग्रेव्स डिजीज ये तो साइंटिस्ट के बेसिस पर नाम दे दिया है, और क्या कहा जाता है इसको, एक्सोथैल्मिक गोइटर, याद रखना बच्चों, एक क्या था, गोइटर, ठीक है। गोइटर के केस में तो क्या हुआ था, हाइपोसिक्रीशन था, कम सिक्रीशन था, किसका, थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड थायरोक्सिन का, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी थी किसमें, डाइट के अंदर। तो सिंपल गोइटर की अगर बात करें तो आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा थायरॉइड ग्लैंड के हॉर्मोन का, लेकिन अगर ग्रेव्स डिजीज या एक्सोथैल्मिक गोइटर की बात करें तो हाइपरसिक्रीशन आएगा थायरॉइड ग्लैंड का, ओके। एक्सोथैल्मिक गोइटर, इसमें भी एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड तो होगा, लेकिन इसके अलावा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक अनदर सिम्टम और है,
प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आंखें उभर कर बाहर की ओर दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, एक्जोक्थेल्मिक गोइटर ये कहलाता है। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ग्रेव्स डिजीज चला जाता है। क्लियर? हाँ, तो बच्चों इसका आंसर अपना फर्स्ट चला गया। इसमें और देखें, हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड दिया हुआ है, एडिसन डिजीज होती है इसकी वजह से। हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड दिया हुआ है, एड्रिनल विरिलिज्म हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। याद है आपको ये? बिल्कुल याद करनी है ये आपको। हाइपरसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड के हाइपरसिक्रेशन के कारण ऑस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका हो जाता है, इस डिजीज का नाम आपको याद रखना है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथ्रोमोन के कम सिक्रेशन के कारण पैराथायरॉइड टिटेनी हो जाती है। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोला, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या बोला था अपन ने? जो हॉर्मोन का प्रोडक्शन करे और उनको रिलीज आउट करें। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू क्यों नहीं बोला है? क्योंकि सिंथेसिस नहीं कर रही है किसी भी हार्मोन का, वो तो केवल दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है उनका स्टोरेज करेगी और उनका सिक्रीशन करवाएगी, नॉट सिंथेसाइज दीज टू हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। क्लियर? तो क्यों बोला है ऐसा इसको? इट ओनली स्टोर एंड रिलीज दी हार्मोन, सिंथेसाइज नहीं करती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ोगे तो इसको फुलफिलमेंट इन ऑप्शन के द्वारा नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो 92 का फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। ए टेम्प्रेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बात की थी। टेम्प्रेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? कॉर्पस ल्यूटियम है। क्लियर? तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवुलेशन हो गया, बची हुई ग्राफियन फॉलिकल येलो कलर बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नई कॉर्पस ल्यूटियम बनती चली जाती है। तो टेम्प्रेरी कौन सी होगी? कॉर्पस ल्यूटियम होगी। कॉर्पस कार्डियकम, कॉर्पस अलाटम, ये दोनों ही ग्लैंड किसकी हैं? इंसेक्ट कॉकरोच में अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। पीनियल ग्लैंड ये जो है ये टेम्प्रेरी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 94। हाइपरसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट डज नॉट कॉजेज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। ग्रोथ हार्मोन का हाइपरसिक्रीशन हो रहा है अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर भी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि अभी जब बोन की बात अपनी हुई थी तब मैंने आपको बताया था बोन के, एक लॉन्ग बोन के रीजन बताए थे, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच पाया जाने वाला एक स्मॉल रीजन मेटाफाइसिस कहलाता है। मेटाफाइसिस में बच्चों क्या पाया जाता है? एपिफाइजियल प्लेट पाई जाती है। जब तक एपिफाइजियल प्लेट एक्टिव कंडीशन में बनी रहती है तब तक तो इलोंगेशन ऑफ बोन होता रहेगा, और मेटाफाइसिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहने का मतलब एपिफाइजियल प्लेट जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इलोंगेशन ऑफ बोन नहीं होगा, और बोन का इलोंगेशन नहीं होगा तो हाइट भी नहीं बढ़ेगी। आप देख लें ऑप्शन कौन सा इनमें। एपिफाइजियल प्लेट क्लोज आफ्टर दी एडोलसेंस, एडोलसेंस स्टेज के बाद में यौनारंभ के पश्चात जो है ये एपिफाइजियल प्लेट क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, कहाँ एक्ट करता है ये गोनियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन? ठीक है, देखें आप, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FHH। अभी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था थोड़ी देर पहले, उस फ्लो चार्ट में बताया था हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, LH और FHH का इसका सिक्रीशन ये करवाता है। तो पहला ऑप्शन क्या चला जाएगा? करेक्ट। बाकी के भी पढ़ लें। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, नो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नो। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के कारण क्या हो गया? गलत हो गया। तो 95 का आंसर अपना क्या चला गया? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन अमीनो एसिड की। क्लियर? और वहां पर अपन ने क्या बोला था? टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव्ड कौन है? एपिनेफ्रिन, जो है टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव्ड हार्मोन कहलाता है। यहाँ पर एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल ये क्या है? ये मेजर फॉर्म कहलाती हैं एस्ट्रोजन की। क्लियर? एक्डाइसिन हार्मोन, माउल्टिंग हार्मोन सभी जानते हैं इसके बारे में, कॉकरोच में आपने पढ़ाया इसको। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगुरता, इसमें कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था, एस्ट्रोजन जो है उसकी कमी हो जाती है मीनोपोज के बाद में, उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन अराइज होती है। इसका मतलब ऑप्शन में एस्ट्रोजन तो आएगा, एस्ट्रोजन। उसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन और दे रखा है, तो याद करो पैराथायरॉयड हार्मोन हाइपर या हाइपो, ये हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है,
बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, तो बॉडी में कैल्शियम का लेवल कहाँ से बढ़ाएगा, ये जो गट रीजन है वहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, उसके अलावा जो रीनल टिब्यूल्स हैं उन रीनल टिब्यूल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, और थर्ड फैक्टर कौन सा है, बोन का रीजॉर्प्शन भी ये करवाता है। इसका मतलब है बोन से अगर कैल्शियम रीजॉर्प्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में पोरस नेचर की ये बोन बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, 98 में मैच द फॉलोइंग ऑफ हार्मोन रेस्पेक्टिव डिजीज के साथ में बताए गए हैं। इंसुलिन, इंसुलिन से रिलेटेड कौन हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। थायरोक्सिन, इसकी कमी के कारण गोइटर हो जाता है, लेकिन याद रखना थायरोक्सिन के हाइपर सिक्रीशन के कारण एक्सोथेलमिक गोइटर हुआ था। कॉर्टिकॉइड्स डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है, एडिशन डिजीज हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, एक्रोमिगेली, अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया है, ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। 5413 करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। हाउ डज स्टीरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस दी सेलुलर एक्टिविटीज, याद करो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन में आपको बताया गया है, कुछ हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, कुछ हार्मोन जो है उनके रिसेप्टर से मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहलाते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है स्टीरॉइड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, डायरेक्ट एंटर कर जाएगा, डायरेक्ट एंटर करेगा तो जो डीएनए पाया जाता है, जो सेंट्रल मशीनरी पार्ट है इसका, उसी से बाइंड होगा और वहां से फिर आगे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करवाएगा, तो फिर कौन सा चला जाएगा, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, यह बना देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ए सेजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 लेवल्स फ्रॉम ए टू डी। एक डायग्राम ब्रेन का आपको दिखाया गया है, ए बी सी डी यहाँ पर लेबल किया गया है, अपने को पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है इनमें। आप देखें, ए को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा है, ए सेरिब्रल हेमिस्फीयर है क्या, एग्जैक्टली ठीक बात है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। बी सेरिबेलम है क्या, बी किसको लेबल किया है, इस पार्ट को लेबल किया है, लेकिन सेरिबेलम तो आपको दिखाई दे रहा है, सेरिबेलम तो कौन सा है, डी को सेरिबेलम कहा है, ये बात क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट आए, सी मिड ब्रेन है क्या, कहाँ है, सी इसको लेबल किया है, तो सी तो पॉन्स कहलाएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और आप मानकर चलें नीट में अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम आएगा उसमें, इसलिए लेबलिंग को बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप। तो सी क्या हो गया, पॉन्स रीजन, मिड ब्रेन, गलत बात है। नेक्स्ट देखें, ए सेरिब्रम है क्या, निश्चित बात है ए सेरिब्रम है, सी पॉन्स है क्या, अभी मैंने आपको बताया था सी पॉन्स है, तो करेक्ट लेबलिंग क्या हो गई, थर्ड फोर्थ को भी चेक करना है। बी कॉर्पस कैलोसम है, बी कॉर्पस कैलोसम, बी कॉर्पस कैलोसम नहीं है, ये या तो थैलेमस कहलाएगा या हाइपोथैलेमस रीजन इसको कहेंगे, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम रीजन तो ये वाला कहलाएगा। ओके, डी मेडुला है क्या, डी मेडुला नहीं है, डी तो सेरिबेलम कहलाएगा, ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। द फिगर शोज एन एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ए टू डी। वही ए से डी लेबल किया गया है, डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम देखकर आपको पता चल गया कौन सा डायग्राम है, ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का डायग्राम है। ओके, क्या क्या है देखें आप, ए एक्सॉन टर्मिनल है क्या, एक्सॉन का टर्मिनल है, लेकिन ए एक एरो पर दिखाया गया है, इसका मतलब इंपल्स ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं इसको, या एक्सॉन का टर्मिनल भी कह सकते हैं। अगला देखें, बी सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स है क्या, नहीं वो ACH कहलाएगा, ये बात हो गई गलत। ए एक्शन पोटेंशियल है क्या, ठीक है। सी न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, सी तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, गलत हो गई बात। बी न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, बी न्यूरोट्रांसमीटर, ओके, लेकिन सी क्या बोला, रिसेप्टर कैप्सूल, एक्चुअल में ये रिसेप्टर कहलाते हैं, नॉट कैप्सूल, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। डी देखें, सी रिसेप्टर है क्या, सी रिसेप्टर है, और डी सिनेप्टिक वेसिकल है क्या, डी सिनेप्टिक वेसिकल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, क्लियर हो गई बात। इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। फिर से रिपीट हुआ है डायग्राम, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें, यह आया हुआ है नीट 2013 कर्नाटका, ये नीट 2013 में अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और फिर से आप देखें इसमें ए क्या है, रिसेप्टर, ए क्या है, रिसेप्टर, सी क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल, सी क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल, एज इट इज क्वेश्चन है, बाकी मैचिंग आप करेंगे कोई भी मैचिंग नहीं हो पाएगी, तो आंसर क्या चला जाएगा,
नंबर वन। ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, आई का एक डायग्राम दिखाया गया है। पार्ट ए बी सी डी ऑफ द ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद इट्स फंक्शन एंड करेक्टरिस्टिक। ये जो ए बी सी डी लेबल किया गया है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनमें से क्या ठीक है वो अपने को पता करना है। सी एक्वस चैम्बर है क्या? देखें, सी एक्वस चैम्बर है, बिल्कुल है। रिफ्लेक्ट द लाइट विच डू नॉट पास थ्रू द लेंस। एक्वस चैम्बर रिफ्लेक्ट नहीं करता है लाइट को, तो बात क्या है? गलत। नेक्स्ट देखें, डी कोरोइड है क्या? डी कोरोइड, आउटर मोस्ट लेयर को कोरोइड बोला है, जबकि अपने को पता है ऑर्डर क्या है, आउटर मोस्ट एस, उसके बाद में सी, और सबसे अंदर कौन सी हो जाएगी? आर। एस सी आर ऑर्डर बनेगा बाहर से अंदर की ओर, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन डी को कोरोइड बोला है, जबकि डी तो स्क्लेरा है, रॉन्ग। ए रेटिना है क्या? ए कौन सा है? अंदर ही अंदर वाली लेयर को रेटिना कहा है, अपन ने यहाँ भी बोला है ए रेटिना है, ठीक बात है। कंटेन फोटो रिसेप्टर रोड एंड कॉन्स, बिल्कुल ठीक बात है। रेटिना में क्या पाई जाती हैं? रोड और कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये लेबलिंग ठीक है। बी ब्लाइंड स्पॉट है क्या? हाँ जी, बी ब्लाइंड स्पॉट है, और हैज ओनली फ्यू रोड एंड कॉन सेल्स। नहीं साहब, यहाँ रोड और कॉन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर बच्चों कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, हाउ डू पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। वही अपनी ट्रिक याद करो, आ जाओ फिर से। अपन ने क्या ट्रिक बनाई थी? पैरासिम्पेथेटिक, पैर से चालू हो रहा है, पैर लगा रहा है मतलब घटा रहा है। तो हाउ डू पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट इसका मतलब डिक्रीज करवाएगा। पहला ऑप्शन देखें क्या कर रहा है, रिड्यूस बोथ हर्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक बात है। हर्ट रेट इंक्रीज्ड, नो। बोथ हर्ट रेट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नो। हर्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं साहब। अगर हर्ट रेट बढ़ेगी तो जो ब्लड एग्जिट हो रहा है हर्ट से, उसका अमाउंट भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ओके, तो बात क्या हो जाएगी, पैरासिम्पेथेटिक का फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस करने की बात आ जाएगी। हर्ट रेट को भी कम करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी कम करेगा। आंसर क्या चला जाएगा? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 105, देखें आप। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाई ए मोटर न्यूरॉन अकर एट। कोई भी मसल फाइबर जो है उसका स्टिमुलेशन किसके द्वारा? न्यूरॉन के द्वारा। कहाँ होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अपन ने ये एक्जोन का टर्मिनल बोला, ये इसके एंडिंग्स बोले, ठीक है। जो भी इंपल्स आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर स्प्रेड ऑफ हो जाएगा इसके ऊपर, क्लियर। तो एक्चुअल में ये स्टिमुलेशन कहाँ हो रहा है इस मसल फाइबर का? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहा है, या इसको मायोन्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है। कौन सा जंक्शन? मसल और नर्व के बीच का जंक्शन क्या कहलाता है? मायोन्यूरोनल जंक्शन, या मोटर एंड प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन चला जाएगा अपना नंबर 1। ओके, हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना। मैंने पहले भी आपको कहा था, जब भी नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन आ जाए उसको अंडरलाइन कर दें आप। रेटिनल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटो पिगमेंट। रेटिनल लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है विजुअल फोटो पिगमेंट का, ठीक बात है। एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ा है अपन ने। इन रेटिना द रोड्स हैव द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल कॉर्न्स हैव थ्री डिफरेंट फोटो पिगमेंट। याद करो, कॉर्न्स तीन टाइप की बोला था, इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब, साइनोलैब। इरिथ्रोलैब रेड लाइट, क्लोरोलैब ग्रीन लाइट, और साइनोलैब ब्लू लाइट। क्लियर होगी बात? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा है अपने से। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, नो। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? 3। फोर्थ ऑप्शन और देखें, रोडोप्सिन इज द पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रोड्स ओनली। क्योंकि कॉर्न्स में क्या पाया जाता है? आयोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों अपना 107, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 107, ए केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल। वापस रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन की तरह भी एक्ट करे, न्यूरल रोल मतलब न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करे। कौन होता है बच्चों? एपिनेफ्रिन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 108,
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन. सेरिब्रम कैलकुलेशन कंटेम्पलेशन, ठीक है, परिकलन में भी मदद करता है, और इसके अलावा ये सेरिब्रम मेमोरी इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. क्लियर? तो पहला क्या हो गया, करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है. मेडुला ओब्लोंगेटा होम्योस्टेटिक कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसमें मेडुला ओब्लोंगेटा का रोल भी है और हाइपोथैलेमस के द्वारा भी ये कंट्रोल होता है. तो ये बात क्या है, क्लियर, ठीक है. सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन करवाता है. रॉन्ग स्टेटमेंट, एक्चुअल में ये कहाँ से होता है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए होता है सेरिब्रम रीजन का वर्निक्स एरिया. ओके, तो ये कहलाएगा. तो स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, थर्ड, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है. फोर्थ भी पढ़ेंगे, कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कोर्टिसेज. जो सेरिब्रम अपन ने बताया था, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट बताया था, हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला जो बैंड है वो बैंड क्या कहलाता है, कॉर्पस कैलोसम कहलाता है. ये बात भी क्या है, ठीक है, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109. डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, याद करो TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, आपको याद हो तो बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी, याद है क्या, निश्चित रूप से याद होना चाहिए, ठीक है. ये हॉर्न क्या कहलाया था बच्चों, डोर्सल हॉर्न, डोर्सल कह दो या इसको पोस्टीरियर कह दो, ओके. ये वाला क्या कहलाया था, वेंट्रल कह दो या एंटीरियर कह दो. अपने से क्या पूछ रहा है, एंटीरियर हॉर्न की सेल डिस्ट्रॉय हो गई है, इसका मतलब सेंसरी तो इधर से आ रही थी, मोटर इधर से जा रही थी, तो वॉलेंट्री मोटर इंपल्स जो है उनका लॉस हो जाएगा. आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. ए जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस इज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन टोटल डार्कनेस. एक अंधेरी स्थिति में भी कोई कलाबाजी दिखाने वाला कोई व्यक्ति जो है वो अपने शरीर को उल्टा करके संतुलित किस प्रकार कर सकता है. तो याद करो अपन ने क्या पढ़ा था, इंटरनल ईयर कितने पार्ट थे इसके, दो. एक कहलाया था वेस्टिबुलर एपरेटस और अनदर कहलाया था कोक्लिया. वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या आया था, यूट्रिकुलस सैकुलस और सेमी सर्कुलर केनाल. सेमी सर्कुलर केनाल, ठीक है, वहां पर आपने देखा था यूट्रिकुलस है, नीचे फिर क्या हो जाएगा इसके, सैकुलस हो जाएगा, ठीक है, ये डक्टस एंडोलिम्फेटिकस स्ट्रक्चर बन जाएगी और फिर यहां पर क्या कनेक्टेड होगा, कोक्लिया कनेक्टेड हो जाएगा. क्लियर? तो यहां पर सेमी सर्कुलर केनाल जो अराइज हो रही थी, ये सेमी सर्कुलर केनाल जहां रीओपन होती है यूट्रिकुलस में आकर, वो रीजन क्या कहलाता है इसका, एम्पुला कहलाता है, ठीक है. इस एम्पुला रीजन में क्या पाए जाते हैं, सेंसरी क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी क्रिस्टा, और ये सेंसरी क्रिस्टा क्या करवाते हैं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम करवाते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है. तो एक कंडीशन तो ये याद रखनी है आपको. ऐसे ही और कहाँ पाए जाते हैं पार्टिकल्स, यूट्रिकुलस में भी होते हैं, सैकुलस में भी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मैकुला, और मैकुला क्या करवाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. क्लियर हो गई बात, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट कौन है, वेस्टिबुलर एपरेटस, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कोक्लिया. तो फिर ये अपना बैलेंस किस कारण बना पाता है, बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कहलाएगा, वेस्टिबुलर एपरेटस. तो बच्चों आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111. इन मेमेलियन आई फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर. सबको याद होगा आई का डायग्राम भी अपन ने देखा था, याद है, ये ब्लाइंड स्पॉट रीजन बन गया था. क्लियर? ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा पोस्टीरियर डायरेक्शन में नीचे की ओर होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला जो रीजन था यहाँ पर क्या बना था,
फोविया रीजन बना था एट द सेंटर रीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, रोड भी नहीं होता है, वो सॉरी यहाँ पर रोड सेल्स अब्सेंट होती हैं, केवल और केवल कौन सी पाई जाती हैं, कौन सेल्स पाई जाती हैं, जबकि अपने को पता है रेटिना की जो पेरिफेरल पार्ट है, इस पेरिफेरल पार्ट में ज़्यादा संख्या किसकी होती है बच्चों, रोड की। सेंट्रल रीजन में ज़्यादा क्या होती जाती हैं, कौन होती जाती हैं, और मैकुला लूटिया का जो फोविया सेंट्रलिस है वहाँ केवल और केवल कौन सी पाई जाती हैं, कौन सेल ही प्रेजेंट होती हैं। तो फोविया सेंट्रलिस में, फोविया में क्या प्रेजेंट होगा, ओनली रोड्स प्रेजेंट, मोर रोड्स गलत, हाई डेंसिटी ऑफ कॉर्न अकर बट हैज नो रोड्स, ये बात ठीक है, कोई रोड नहीं होती है लेकिन कॉर्न्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, याद करो रोडोप्सिन की अपनी बात हुई थी, किसका बना हुआ होता है, ऑप्शन और रेटिनल, या क्या बोलो रेटिनिन, और किसका डेरिवेटिव है, विटामिन ए से डिराइव ये कहलाता है। आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मिजनर कॉर्पसल्स आर थर्मोरिसेप्टर, मिजनर कॉर्पसल थर्मोरिसेप्टर होते हैं, नहीं थर्मोरिसेप्टर नहीं होते, ये तो टेंगोरिसेप्टर कहलाते हैं, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, टेंगोरिसेप्टर, और टेंगोरिसेप्टर किसके लिए होते हैं, टच एंड प्रेशर, टच एंड प्रेशर, ठीक है बच्चों। टेंगो रिसेप्टर एक तो मिजनर कॉर्पसल है ही, इसके अलावा मार्कल्स डिस्क भी है और रूट हेयर प्लेक्सस भी है, क्लियर होगी, तो ये टेंगो रिसेप्टर कहलाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है अपने से। फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन आई आर डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज इन रेस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, वो फोटो पिगमेंट्स जो आई में पाए जाते हैं वो डार्कनेस में डीपोलराइज्ड होते हैं, डीपोलराइज्ड का मतलब है रीसिंथेसाइज होते हैं, क्लियर होगी बात। और दूसरी बात, लाइट स्टिमुलाई की कंडीशन में हाइपरपोलराइज्ड होते हैं, हाइपरपोलराइज्ड का मतलब है उनका डिसोसिएशन होता है, तो सही बात है ये, क्लियर। रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, रिसेप्टर्स जो हैं वो ग्रेडेड पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करते, गौर करें, स्टिमुलाई अगर आएगी तो जो रिसेप्टर्स होंगे वो स्टिमुलेटेड होंगे, रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड होगा, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस्ड हुआ है यही क्या कहलाता है, ग्रेडेड पोटेंशियल कहलाता है, इसका मतलब है रिसेप्टर्स जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल पैदा करते हैं। बात क्या हो गई, गलत, अपने से करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अगला देखें, नोसीसेप्टर रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्रेशर, नोसीसेप्टर प्रेशर के लिए नहीं होते, नोसीसेप्टर पेन स्टिमुलाई के लिए होते हैं, पेन स्टिमुलस, क्लियर हो गई बच्चों। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी रिसेप्टर साइट कहाँ होती है, याद करो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वाली तो प्री बन गई थी, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट बन गई थी, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, इस पोस्ट सिनेप्टिक पर क्या पाया जाता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन नो, टिप्स ऑफ एक्सॉन नो, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए हैं, इनकरेक्टली पेयर्ड अपने को बताना है, क्लियर, इनकरेक्टली पेयर्ड आ जाए। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हंगर एंड थ्रिस्ट, बात क्या है, सही है, हाइपोथैलेमस का सेंटर बनता है। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्या कहलाता है कॉर्पस कैलोसम, सही बात है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल दी मूवमेंट, मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, क्लियर। तो लिम्बिक सिस्टम फाइबर की ट्रैक्ट है लेकिन मूवमेंट को कंट्रोल करना ये इसका फंक्शन नहीं कहलाता, इनकरेक्ट पूछ रहा है, आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड, मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज, ये बात तो क्या है, करेक्ट। तो 115 का अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड चला जाएगा। ओके हाँ बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 115 में लिम्बिक सिस्टम दिया है, इनकरेक्ट बन गया था ये। लिम्बिक सिस्टम एक्चुअल में है क्या? इनर रीजन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर अलोंग विद एमिगडेला एंड हिपोकैम्पस, ये मिलकर क्या बनाता है? लिम्बिक सिस्टम बनाता है, मेजर कंपोनेंट इसके ये कहलाते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल लिम्बिक सिस्टम किसके लिए है? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मोटिवेशन, इनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल कहलाता है। लेकिन ये कार्य किसके साथ इन्वॉल्व होकर करता है? हाइपोथैलेमस के साथ में इन्वॉल्व होकर करता है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 116 आ जाए। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस बाई, याद करो ये आई का लेंस बना था, ये आगे की ओर कॉर्निया रीजन बना था, क्लियर। ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाई थी, स्क्लेरा बोला था इसको। स्क्लेरा के अंदर क्या कहलाती है बच्चों? अगली लेयर कोरोइड कहलाती है। कोरोइड का आगे का पार्ट जो है ये क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी बनाता है, ठीक है। और सिलियरी बॉडी का कुछ पोर्शन लेंस को कवर अप करके रखता है सामने से, आयरिस कहलाता है, ठीक है। तो लेंस को अपनी पोजिशन में बनाए रखने में कौन मदद करता है? इन सिलियरी बॉडी से निकलने वाले जो सस्पेंसरी लिगामेंट हैं वो ये फंक्शन दर्शाते हैं। तो आंसर देख लें आप कि ह्यूमन आई का जो लेंस है वो किसके द्वारा अपनी पोजीशन में मेंटेन रखा जाता है? लिगामेंट्स अटैच टू द आयरिस, नो, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। और ये लिगामेंट्स बच्चों कौन से कहलाते हैं? दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, क्लियर होगी। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निश्ल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, निश्ल बॉडी किससे बनती है? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में याद करो अंदर पाई जाती है निश्ल बॉडी, कोई स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल नहीं है, मॉडिफिकेशन से बनाए। किसके मॉडिफिकेशन से बनाए? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसको सराउंड कर लेती है? राइबोसोम को सराउंड कर लेती है, क्या कहलाता है? निश्ल ग्रेन्यूल, ये निश्ल बॉडीज कहलाता है, ठीक है। तो राइबोसोम कौन सा? फ्री राइबोसोम सराउंडेड बाई RER, न्यूक्लिक एसिड SER, नो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसको सराउंड कर ले? फ्री राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीट 2019 में आया हुआ है। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स, बिल्कुल होता है। ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। विच इज हाईली वैस्कुलराइज, नो, एवैस्कुलर होती है ये, एवैस्कुलर ये कहलाती है। नेक्स्ट देखें, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, ठीक बात है, डेंस मैट्रिक्स पाया जाता है कोलेजन फाइबर्स, एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, आई का सबसे सेंसिटिव पोर्शन भी कहलाता है कॉर्निया। तो क्या करेक्ट अपने से पूछ रहा है? करेक्ट के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा। अगला देखें, कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल, सबसे बाहरी, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल, ठीक है। तो सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ NTA की आंसर की और जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स हैं उनकी आंसर की में यहाँ पर जो है इम्बैलेंस भी हुआ था, लेकिन इसमें बेसिक नॉलेज के बेसिस पर जो नीट का बच्चा जो इंटेक करने के लिए MBBS इंटेक करने के लिए जो एग्जाम दे रहा है, तो बेसिक नॉलेज के बेसिस पर आंसर क्या चला गया था? 2 चला गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ एक वर्ड और भी दिया है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग तो आईलिड्स भी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हायर लेवल के बेसिस पर तो आंसर 3 चला जाएगा, NTA ने इसको क्या माना है? 2nd माना है। और बेसिस क्या है इसका? अपना जो बेसिक नॉलेज जितना अपने को काम में लिया जाता है 12th क्लास के बेसिस तक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर 2 चला जाएगा। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन, इलास्टिन नहीं साहब, ये तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया अपना? 2। लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, सब जानते हैं भाई थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर कहाँ तक स्टडी किया है? क्वेश्चन नंबर 119 तक। कौन कौन सा पोर्शन आ गया है इसमें? मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात होगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की बात होगी, ठीक है, और नर्व सिस्टम की भी बातें होगी। तो
ये 119 नंबर तक जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास में जो फिजियोलॉजी आपकी दी गई है चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक वो पोर्शन क्या हुआ है यहाँ पर कंप्लीट हो गए। क्लियर? आपने कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उनको अच्छी तरह रिवाइज भी किया होगा। उन टॉपिक्स में उन क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने एनसीईआरटी से जाकर बहुत अच्छे से उसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो बच्चों एनसीईआरटी में जाकर उन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। आपके दिमाग में नाचना चाहिए कि ये लाइन जो है ये एनसीईआरटी के किस पैरा से उठ कर आई है, वो पैरा आपको याद आना चाहिए, क्योंकि पेपर तो भैया एनसीईआरटी से बनना है। ओके, तो आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, कल के क्वेश्चन को भी काफ़ी रिवाइज किया होगा, आज के क्वेश्चन को भी अच्छी तरह रिवाइज कर लें, और इतना ध्यान जरूर रखें किस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उस टॉपिक को एग्जाम में छोड़कर मत चले जाना। एनसीईआरटी इतनी तो है ना, क्या करना है, गोटे मार लो, अच्छे से याद कर लो उसको। ओके, तो मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।